तो राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक के बाद अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन के 8 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिससे दहशत का माहौल है और होना लाजमी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र ने भी जिस तरह से महातबाही का मंजर देखा है, खासतौर से डेल्टा वेरिएंट के तौर पर, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो और बेहद तेजी के साथ फैलता है, यानी कि संक्रमण दर जो है वो डेल्टा के मुकाबले भी बहुत ज्यादा है। और दक्षिण अफ्रीका से जिस तरह से पहला मामला यहाँ पर सामने आया, जिसके बारे में WHO को जानकारी मिली और उसके बाद आशंका जिस तरह से जताई जा रही थी कि भारत में ये दस्तक दे सकता है, दस्तक ही नहीं दी है बल्कि 5 राज्यों से 21 मामले सामने आ चुके हैं, कुछ संदिग्ध है जिनकी जीनोम जो टेस्टिंग है, सीक्वेंसिंग स्टडी है, वो यहाँ पर की जा रही है, जिसका दर्द यहाँ पर डर के तौर पर समझा जा सकता है। तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 8 हो गई है और 2 तस्वीरें भी यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया की देख लीजिए, जहां पर आपको भारी लापरवाही नजर आएगी, लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएंगे, कोरोना के नियमों का ये पालन नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की है, जहां पर कोरोना के वेरिएंट को फैलने से बचाने के लिए लोगों की जांच की जा रही है, कोरोना की यहां पर जांच की जा रही है। ये दोनों ही तस्वीरें देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और इसके पीछे की हकीकत को समझिए। कोशिश की जा रही है कि आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचाया जा सके, साथ ही साथ कोशिश यहां पर बेहद जरूरी हो जाती है इसको अंजाम देने के लिए कि आप कोरोना के नियमों का पालन यहां पर करें, जो कि फिलहाल मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया में दिखाई नहीं दे रही है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये खुद हमें तय करना होगा जिम्मेदारी के साथ कि हमें कोरोना के नियमों का पालन करना है, इस गाइडलाइंस को मानना है या फिर नहीं मानना, क्योंकि ये हमारे मानने भर से ही होगा, हमारी जिम्मेदारियों से ही होगा जब ओमिक्रॉन के फैलते दायरे को बढ़ने से रोका जा सकेगा। वरना मंजर कितना भयानक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, इसे शायद शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है।